दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों, बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस, आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है जो प्रज्ञा प्रवाह का जो पार्ट नंबर 10 है, जिसके अंदर आपको पता होगा पद्य भाग को हम कंप्लीट कर रहे थे, 9 पार्ट हमने कर दिए हैं और आप इसके लिए जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे भाग देख सकते हो। यह 10 नंबर टेस्ट है और 10 नंबर ही पार्ट है जिसके अंदर पद्य भाग हम पढ़ रहे थे और इसका आज का जो दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं आग जलनी चाहिए और आदमी की पीर, ये दो कविताएं हैं जो उनके द्वारा रचित है, उनके बारे में आज हम, उनके जो क्वेश्चन आपके बन रहे एग्जाम के अंदर वही हम आज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस पंक्ति में हिमालय से कवि का क्या तात्पर्य है? आंसर होगा ग, आदमी की सांघातिक पीड़ा। शर्त लेकिन थी यह कि कवि के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के साथ क्या शर्त थी? बुनियादी परिवर्तन। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, इसमें दीवार से कवि का क्या आशय है? सामाजिक परिवेश। मेरी कोशिश है यह कि कवि की कोशिश क्या है? सामाजिक परिवर्तन। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो हो, कवि दुष्यंत कुमार की उक्त पंक्तियों में व्यंजित भाव है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, आंसर होगा उत्साह। आदमी की पीर गूंगी ही सही, गाती तो हो, उक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति आपको नजर आ रही है? लक्षणा, व्यंजना या अभिधा या उक्त में से कोई नहीं, तो आंसर होगा लक्षणा। गूंगी होते हुए भी पीर का गाना, लक्षणा शब्द शक्ति। मेरा मकसद वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो डायरेक्ट आंसर होगा अनुप्रास। आग जलनी चाहिए दुष्यंत कुमार के द्वारा रचित गजल संग्रह में किन शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है? आंसर होगा उर्दू। साये में धूप गजल संग्रह किस कवि के द्वारा रचित है? दुष्यंत कुमार, याद कर लीजिए दुष्यंत कुमार। नई कविता के सशक्त कवि दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? नई कविता का सशक्त कवि जो है दुष्यंत कुमार, उनका जन्म हुआ था 1933। दुष्यंत कुमार है, उन कवि का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उर्दू शब्द किस भाषा का है? तुर्की। कवि दुष्यंत कुमार ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? मुरादाबाद। कवि दुष्यंत कुमार आकाशवाणी भोपाल केंद्र पर कब कार्यरत थे? मध्य प्रदेश के भाषा विभाग में सहायक संचालक के पद पर किस कवि ने कार्य किया था? दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा ये मुझे बताइए, दुष्यंत कुमार जी का जन्म कब हुआ था? और उनका एक गजल संग्रह का नाम भी बताया था, वो क्या था? आपको आना चाहिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। दुहरी जिंदगी नामक उपन्यास के रचयिता हैं, इसको याद कर लीजिए, थोड़ी देर बाद में मैं नीचे चलते ही आपको पूछने वाला हूं। दुष्यंत कुमार। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, उक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कवि दुष्यंत कुमार ने अपनी गजल आदमी की पीर में किस शैली का वर्णन किया है? प्रतीकात्मक शैली। आग का पर्यायवाची है, आपको इसमें से बताना आग का पर्यायवाची है क्षानु। निर्वचन मैदान में लेटी हुई दो नदियां, पर्वतों में ओट में जा जाके बतियाती तो हैं, उक्त पंक्तियों में दुष्यंत कुमार के कौन से गजल संग्रह से ली गई है?
तो यहाँ पे ये देख सकते हो, साये में धूप, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। निर्वचन शब्द में कौन जो उपसर्ग गया वो आपको बताना है, तो ये होगा निर। पर्वत, नदी व हवा के पर्यायवाची हैं। पर्वत, नदी और इनके लगातार आपको बताने हैं, तो इसका आंसर होगा एक। मन के कोण नामक नाटक के रचयिता हैं, तो इसका आंसर होगा दुष्यंत कुमार। दोहरी जिंदगी नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है, ये मैं आपको पूछ रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था और बताया भी था। कवि दुष्यंत कुमार की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, जन्म का मैंने आपको पूछा था, जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। जन्म 1933 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुई थी, भोपाल के अंदर हुई थी 1975 में। दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित काव्य नाटक है, यहां से याद कर लीजिए, एक कंठ विष्पाई। शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, उक्त पंक्ति में बुनियाद शब्द का अर्थ है, बुनियाद का अर्थ है नींव। कोशिश, कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, उक्त पंक्ति में कवि दुष्यंत कुमार की जो कोशिश से तात्पर्य क्या है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, उक्त इस पंक्ति के अंदर कोशिश से तात्पर्य क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती, तो हो कवि दुष्यंत कुमार जी की जो पंक्तियां हैं दिए से, इसमें तात्पर्य आपको बताना है, दिए से क्या अर्थ है, युवाओं के हृदय से। हिमालय शब्द में संज्ञा है, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। आग शब्द है, आग शब्द शब्द है जो तद्भव शब्द है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती हो, उक्त पंक्ति में कवि के पास उपलब्धियों के नाम पर क्या है। इसका आंसर होगा दोस्तों विशाल छाती। देखिए दोस्तों एक चीज बता देता हूँ आपको, एक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करोगे तो ऐसे सीरीज में लगातार चालू रखूंगा, और इसको शेयर करते हो तो अपने क्या एक चैनल को और सामने वाले के पास जाएगा, उसको फायदा है। अब आप ये सोचते हो थोड़ा बहुत हमारे लिए कुछ सोचते हो तो इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, कहीं पर भी कंफ्यूज हो तो उस क्वेश्चन के बारे में हमें बताइए, नंबर मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, या फिर आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर भी मुझे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो चाहे मैं आपको उसका जो है सही उत्तर, वैसे तो ये सारे के सारे सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों क्या है कि बड़ी बड़ी किताबें, अरे छोड़िए आरपीएससी खुद अगर पेपर छापती है ना, तो वो पेपर छापने पर भी उससे 10 15 20 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं, तो उनके द्वारा भी गलतियां हो जाती है, तो गलती होना स्वाभाविक है। और आप उसके अंदर आपको कहीं पर भी कंफ्यूज लगे तो हमें जरूर पूछिएगा, ठीक है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो हो, उक्त पंक्ति में कवि दुष्यंत कुमार ने किस पीड़ा का निवारण है जो करने की बात कही है। सामाजिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, व्यावसायिक पीड़ा या उक्त सभी, तो यहां पर होगा सामाजिक पीड़ा। नाव जर्जर ही सही, यहां कवि ने जर्जर नाव को किसका प्रतीक माना है, पीड़ितों की जो दुर्दशा है उसको। यहां पे अपने होते हैं ऑब्जेक्टिव, ये हमने पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कंप्लीट होते हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन है, उनको मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं, फिर भी एक बार ये भी रिपीट करना जरूरी है। दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी तो चाहिए, कवि दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति का आशय क्या है। इस पंक्ति का आशय है कि हमारे देश में सामान्य आदमी की व्यर्थता एवं दुर्दशा अत्यधिक बढ़ गई है और अब उसमें बदलाव आना चाहिए, अर्थात दुर्दशा का समाधान करना चाहिए, ये बात इसके अंदर कही गई है। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इसमें आग का प्रतीकार्थ क्या है, तो इस पंक्ति में आग का प्रतीकार्थ है समाज में परिवर्तन के लिए अपेक्षित उत्तेजना का उत्साह है, क्योंकि उत्तेजना या उत्साह से ही परिवर्तन संभव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तेजना और उत्साह अगर आपके अंदर है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है।
एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, इस पंक्ति में चादर से क्या आशय है? इस पंक्ति में चादर का आशय है कि निराशा एवं जागृति का अभाव। लोगों में अपने देश की दुर्दशा को दूर करने की जागृति नहीं है, वे निराशा से ग्रस्त हो गए हैं। यहीं पर यह चादर का अर्थ बताया गया है। अगला मैं आपको देखिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आदमी की पीठ गजल में एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, में किस चिंगारी की ओर संकेत किया गया है? तो दोस्तों इसके अंदर जो है, इसमें कवि ने आंतरिक जागृति एवं जोश रूपी चिंगारी की ओर संकेत किया है। आंतरिक शक्ति एवं जोश से ही व्यापक परिवर्तन संभव है। सूरत बदलनी चाहिए, कथन से कवि ने क्या आह्वान किया? इसमें कवि जो कवि ने है सामाजिक राष्ट्रीय परिवेश में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं समस्याओं का समाधान करने हेतु आमूल चूल परिवर्तन लाने का आह्वान है जो किया है। आग जलनी चाहिए गजल दुष्यंत कुमार के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये इसके अंदर दोस्तों, ये आपको मैंने आपको थोड़ी देर पहले मतलब बता दिया है कि ये साये में धूप से ली गई है। यहाँ पे आंसर यहाँ पे कट कट चुका है, तो ये आप देख लेना कि भाई इसके अंदर साये में धूप, पीर का पर्वत के समान। एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए शब्द कट गए हैं कि भाई पीर के पर्वत के समान होने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि दर्द की सघनता और व्यापकता। कवि ने गहरी वेदना और उसके व्यापक प्रसार प्रसार के लिए पीर पर्वत सी शब्दों का प्रयोग किया है। समस्या अब विकराल रूप में फैल गई है, ये बात इन्होंने इसमें कही है। ये बुनियाद हिलनी चाहिए, यहाँ बुनियाद का अर्थ क्या बताया गया है? बुनियाद से कवि का आशय है कि समाज की आंतरिक दशा से। क्या, किससे? समाज की आंतरिक दशा से। देश की अनेक समस्याओं का मूल कारण बुनियाद रूपी आंतरिक बुरी दशा है, इसमें आकांक्षाओं के अनुसार बदलाव लाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती, तो यहाँ कवि जर्जर के माध्यम से क्या कहना चाहता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति तो हो रही है, परंतु उसमें गति धीमी एवं अव्यवस्थित है। कवि ने जर्जर के माध्यम से यही बात समझाई है। यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती, तो कवि ने अंधेरे की सड़क किसे कहा है? देश में निराशा एवं अव्यवस्थाओं के बाद भी जो आशा एवं सामाजिक परिवर्तन की गति दिखाई दे रही है, कवि ने उसे अंधेरे की सड़क कहा है जो कि प्रकाश की ओर जाती है। दोस्तों यहाँ पे अपना ये जो टेस्ट सीरीज है कंप्लीट होती है। यहाँ पे कम से कम हमने 60-70 क्वेश्चन ले लिए हैं, आपको पता भी नहीं चला, और 60-70 क्वेश्चन हमने कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर दिया। अब एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इसको शेयर करना भी बनता है, आप शेयर कीजिए दोस्तों। शेयर करोगे उतना ही हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने लेके आते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।